tertiary education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से, और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल की बात की जाए या किसी और एग्ज़ाम की बात की जाए जिसमें आपसे एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये वाला जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी जो प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे हम। हिंदी में होगा ये पूरा वीडियो। इनको सॉल्व करने का मैं एक बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन जो है एक ही तरीके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान होंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन के भी जो सवाल होते हैं वो भी इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो अजय और विजय की जो आयु का अनुपात है 3:4 दिया गया है। उनकी आयु का योग जो है 84 वर्ष है, तो अजय और विजय की आयु बतानी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये हमने यूज़ किया है, पहले चूज किया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन है वो हम आगे करते रहेंगे, देखते रहेंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, उससे आप बहुत ही कम समय में और जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ते जाएंगे हम। तो चलिए देखिए ये क्या कह रहा है कि जो अजय है और विजय है दोनों की जो आयु का अनुपात है 3:4 है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे अजय और विजय की जो आयु मैंने मान ली है, अजय की आयु है 10 वर्ष है जबकि विजय की आयु जो है वो 4 वर्ष है। तो अगर इनका अनुपात बोला जाए, अजय और विजय के का अनुपात, तो क्या होगा 10:4। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा इसका, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 10:2:2, तो कॉमन फैक्टर कट जाएगा, तो 5:2 इनका आ गया ना। तो जो रेशियो जो बताता है ये असली इनकी आयु नहीं बता रहा, ऐसा नहीं है कि अजय की आयु 3 है विजय की आयु 4, ऐसा नहीं है। तो कुछ फैक्टर जो कॉमन है वो घट मतलब कट गया होगा, जैसे इस यहाँ पे है 5:2 का वर्ष का अनुपात है इनका ना, 5:2 का अनुपात है जबकि आयु जो है 10 वर्ष और 4 वर्ष है, तो 2 जो कॉमन फैक्टर था वो कट गया। तो इसी तरीके से हम सोचेंगे यहाँ पे भी x होगा वो कट गया होगा, x होगा कट गया होगा। देखिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा मगर क्वेश्चन जो है 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अब हकीकत में अजय की आयु वो है 3x है और विजय की आयु क्या है 4x है, ठीक है। अब आयु का योग कितना है 84 वर्ष है, मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 84 वर्ष, तो 3x + 4x = 84। x कॉमन ले लिए 7, ये क्या हो जाएगा 84, तो ये कट जाएगा इसे डायरेक्ट 12, तो x = कितना गया 12। x की वैल्यू 12 आ गई, तो अजय की आयु पूछा है तो 3×12 हो जाएगा, 3×12 जो कि 36 है, और इसकी आयु पूछा हुआ है 4×12 जो कि 48 है। देख लीजिए तो विजय की आयु कितनी है 48 वर्ष है, अजय की आयु कितनी है 36 वर्ष, आप जोड़ लीजिए तब भी 84 वर्ष आएगा इनका योग। तो बहुत आसान क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हमने सॉल्व भी कर लिया, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। या एक और मेथड देख सकते हैं आप, अजय और विजय की आयु का जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है, जबकि 3:4 है जबकि इनका योग जो है वो 84 वर्ष है, योग 84 वर्ष है, मगर इस अनुपात वाले आयु के हिसाब से देखें तो योग कितना आ रहा 3+4 7 वर्ष आ रहा, जो कि जो ओरिजिनल आयु का योग है उससे कितना कम है, ये 12 गुना ये कम है। तो कितने फैक्टर गुना कम है 12 गुना कम है, मतलब ये भी आयु जो है 12 गुना कम ली गई, ये भी आयु जो है 12 गुना कम ली गई है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 48 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल योग जो है वो 12 गुना कम आ रही है ओरिजिनल वैल्यू से, तो ये भी जो है आयु भी दोनों की क्या होगा 12 गुना कम लिया गया होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं किसी तरीके से। उसके बाद देखिए, मोहन और सोहन से 6 वर्ष, मोहन जो है सोहन से 6 वर्ष छोटा है, मतलब मोहन जो है वो सोहन से 6 वर्ष छोटा है। यदि उन दोनों का उम्र का अनुपात जो है 3:5 है तो मोहन की उम्र क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब मोहन की आयु 3 वर्ष है और सोहन की आयु 5 वर्ष, अनुपात में दिया हुआ है 3 और 5 का अनुपात है। इस अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो ये मोहन कितना छोटा है 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष जो है छोटा है, मगर वास्तव में वो 6 वर्ष छोटा है, वास्तव में क्या है 6 वर्ष छोटा है।
तो ये कितने फैक्टर कम है, तीन फैक्टर कम है, ये तीन गुना इससे कम है, तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो छः गुना आएगा, तो तीन से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तीन से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा 9 वर्ष, और ये कितना जाएगा 15 वर्ष। आंसर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। या आप दूसरे वाले मेथड से, मोहन और सोहन 3 और 5 का अनुपात है, मगर ये अनुपात है, कुछ फैक्टर काट दिया गया होगा, मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स मान लिया, और इन दोनों की वर्ष का जो अनुपात वो मतलब अंतर है 6 वर्ष है, मतलब सोहन जो है वो 6 वर्ष बड़ा है, तो मतलब इसकी आयु और इसकी आयु का अंतर कितना होना चाहिए 6 वर्ष, तो 5x-3x=6, तो 2x=6, तो x=, कितना आ गया 3x=3 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी तो 9 आ जाएगा, 3 वैल्यू 15 आ जाएगा, तो किसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों की आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु जो है बी की आयु की आधी थी, 10 वर्ष पहले, ये ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले, मतलब ए की आयु अगर 1 थी तो बी की 2 होगी, तभी तो ए की और बी की आधी है, ए की आयु जो है बी से आधी है, तो 1:2 का अनुपात था, 1 और 2 का अनुपात था ए और बी की आयु में 10 वर्ष पहले, याद रखिएगा 10 वर्ष पहले। यदि उनकी वर्तमान में आयु का जो अनुपात है, वर्तमान में वो 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु पूछा हुआ है, भैया यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्ष लग गया उनको, 10 वर्ष लग गया, क्योंकि 10 वर्ष पहले ये था, अब 10 वर्ष बाद जो अब प्रेजेंट में ये है, तो देखिए कितनी आयु बढ़ी इसकी, 2 वर्ष का अंतर आया, तो 2 वर्ष बढ़ी अनुपात के हिसाब से, इसके हिसाब से 2 वर्ष बढ़ी, मगर हकीकत में कितनी बढ़ी है, 10 वर्ष बढ़ी है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों में ताकि 10 वर्ष आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुपात को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 वर्ष पहले इसकी 5 वर्ष आयु थी, इसकी 10 वर्ष आयु थी, इसकी कितनी है, इसकी 15 वर्ष हो गई है, और इसकी कितनी हो गई है, 20 वर्ष हो गई है। तो सबसे आसान तरीका है ये, हमने क्या किया, हमने देख लिया कि अनुपात में कितनी बढ़ोतरी हो रही, 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, मगर हकीकत में जो है 10 वर्ष लगा है, तो 10 वर्ष पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो अंतर जो है 10 वर्ष का आएगा दोनों में, तो इस वाले फैक्टर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले फैक्टर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 3:5 है, राम और श्याम की जो अनुपात आयु कितनी है, 3:5 है, यदि राम की आयु श्याम से 8 वर्ष कम हो तो बताइए श्याम की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी। अब जो है राम की आयु जो है 8 वर्ष कम है किससे, श्याम से, मगर अनुपात के हिसाब से देखें तो ये 2 ही वर्ष कम है, तो 8 वर्ष कम होने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3×12 और ये 5×20 हो जाएगा, तो श्याम की आयु कितनी है, 20 वर्ष है इस समय, और राम की 12 वर्ष है, मगर क्या पूछा हो, श्याम की आयु 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +4 कर देंगे तो 24 वर्ष का हो जाएगा श्याम। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये, और राम का 4 वर्ष बाद पूछा 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछे आप आगे बता सकते हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:2 है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:2 है, यदि दोनों की आयु का अनुपात ये है 54 दिया हुआ, दोनों की आयु का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, गुणनफल जो है वो कितना है, इनका मल्टीप्लीकेशन 54 वर्ष है। अब तो दीपक की 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई ये पूछा हुआ है। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन दिया होता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब इसकी आयु देखिए कितनी है, ए की 3 वर्ष, बी की 2 वर्ष अनुपात के हिसाब से, मगर जो कॉमन फैक्टर कट गया हो तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा, 3×6x² आ रहा, मगर हकीकत में कितना दोनों का वो गुणनफल कितना है, 54 वर्ष है, तो ये इससे कट जाएगा और x²=9, तो x=3 हो जाएगा, तो x=, अगर 3 है, x=+-3 आया क्योंकि स्क्वायर है ये ना, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, मगर प्लस ही यूज करेंगे क्योंकि आयु जो है माइनस में हो नहीं सकती। x=3 यहाँ पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हकीकत आयु ए की कितनी थी, 9 वर्ष, और बी की कितनी थी, 6 वर्ष थी। अब पूछा 4 वर्ष बाद जो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए हमारे टाइपराइटर ने क्या किया, दीपक कहाँ से आ गया इसमें, बी या ए की पूछा होता है, ठीक है, बी की
जो है मैंने मान लिया बी की निकालना है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, और इसकी कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का जो योगफल है वो 56 वर्ष है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाए तो दोनों की आयु बताइए कितनी होगी। देखिए पिता की आयु 3 गुना है पुत्र से, तो मैंने फादर और सन की जो आयु का अनुपात कितना होगा, 3:1 होगा, क्योंकि 3 गुना ये बड़ा है। अब दोनों का जो योगफल है वो 56 है, दोनों का योगफल कितना है, 56 है। अब दोनों में फैक्टर जो कटा होगा एक्स और एक्स, तो कितना होगा, 4x इनका योगफल आ रहा है हमारे हिसाब से, मगर ये 56 दिया हुआ है, तो 4x = 56, तो x = कितना आ जाएगा, 14 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, x = 14 आ जाएगा, 14 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये पिता की आयु 42 वर्ष होगी और पुत्र की आयु कितनी होगी, 14 वर्ष हो गई। तो जो भी आगे पूछा होता आप निकाल देते। देख दोनों की आयु पूछा, दोनों की आयु निकाल दी। अगर ऐसा ही पूछा होता 10 साल बाद इनकी आयु का योगफल कितना होगा, तो 10 साल बाद इसकी 52 हो जाएगी, इसकी कितनी, 24 हो जाएगी, योगफल निकाल देंगे, या कुछ भी पूछा हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में जो है इसी टाइप के जो है कंसेप्ट का यूज करके हम आगे जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में ज़्यादातर मिल जाएंगे, और उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इन्हीं कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे घुमा फिरा के, और सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। तो कोई भी फॉर्मूला वर्मूला आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई ट्रिक के लिए कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये कंसेप्ट समझिए आपको आसान हो जाएगा सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। 4 वीडियो स्क्रीन पर हमने दिए हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ मैथमेटिक्स के होंगे, कुछ देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का होगा वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।